समझा कर प्लीज यार, पैसे तो ले लियो ना यार, तो यार। बाप को मरना छोड़ दूं, तेरे पैसे लाके पहले दूं मैं तुझे। भरोसा गया तेरा भाड़ में, तेरा बाप और तू जाए भाड़ में। देखो ये इंसान मेरे बाप हॉस्पिटल में और ये इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है, पुलिस को बुला के लाऊंगी, तू और तेरा बाप दोनों जेल के अंदर होगा अगर मेरे बाप की ऐसी हालत देख ली तो। नहीं दूंगी तेरे पैसे पापा। देख मेरी नाक कटवा दी, जितने मेरे से मांगती ना। तुमने अपने बाप को जिंदा 3 लाख रुपए के लिए मार दिया है। एप्पल का मैकबुक लेना था, आईफोन लेना था, मेरे दोस्त सारे मुझे चिढ़ाने लगे। कमेटी के पैसे तेरा बाप देगा? अरे कौन सी कमेटी, जो तेरी बेटी ने डाल रखी है। मेरी बेटी ने कोई कमेटी नहीं डाली, मैं वो घोटाले की कमेटी। तेरी बेटी ने 3 लाख की कमेटी डाल रखी है जिसमें 5 महीने उसने पैसे दे दिए और 6ठे महीने उसने कमेटी उठा ली। अरे मेरी बेटी को क्या जरूरत है पैसे की, मैं अच्छा कमाता हूँ मैं। तेरी बेटी ने कमेटी उठा के पैसे नहीं दे रही, अब फोन भी नहीं उठा रही है वो मेरा। तू उस दिन भी आया था मेरी दुकान पे, हल्ला कर रहा था वहाँ जाके। तो करूंगा नहीं क्या, मेरे पैसे नहीं देगी? मैं मान ही नहीं सकता मेरी बेटी ऐसे करेगी बिना बताए। वो तेरे पैसे लेकर क्या भाग गई क्या? वो और क्या भागी, घर में मेरे रहती है। मैं तो तेरी शकल देख के दे दी थी। अरे चुप करना जा, झूठे लड़का शकल से लग रहा तू ऐसे ही है। बस तेरी शकल देख के मैं चल दुकान है, मेरी बेटी को पैसे दे देगा। तेरी बेटी पैसे लेके क्यों भागी है बता पहले। अरे तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? पागल क्यों होगा, बिना बात के चिल्लाऊंगा क्या तेरे? मेरी बेटी को क्या जरूरत है पैसे की? तेरे पैसे की जरूरत नहीं उसे। फिर तो 5 महीने से उसने पैसे क्यों दे रही थी फिर? वो मुझे क्या पता, तू झूठ बोल रहा है, तू बदनाम कर रहा है मेरी बेटी। पैसे उठा के मेरे साथ 3 लाख रुपए फिर बोलते। अरे मैं कैसे मान दूं तेरी बात को, झूठे क्या बात हुई पूरी बात बता। लड़झड़ झूठ बोल रहा, कमीजी मत करते, इससे बड़े हैं वो। देख भाई बोल रहा ऊपर से, इनकी लड़की थी मेरी फ्रेंड थी, अच्छी फ्रेंड है, और मैं इनके अंकल को भी जानता हूँ, अंकल भी मेरे को जानते हैं। तो इनकी लड़की को तू जानता? हाँ लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब एक गुड फ्रेंड जैसे होता है वो। है गुड फ्रेंड है वो। हाँ तो वो आई मेरे पास, बोली मेरे पापा कमेटी डालते हैं। तो इनकी लड़की बोल रही कि तेरे पापा कमेटी डालते हैं। हाँ, और लड़की इधर को जानती है। हाँ, और लड़की के बाप ये है। हाँ ये ठीक है। हाँ, क्या तो हुआ? उनकी लड़की आई मेरे पास, बोली यार सुनो मेरे को भी कमेटी डालनी है, तुम्हारे पापा डालते हैं ना। मैंने ठीक है, मैंने फ्रेंड से मेरी डलवा दो। झूठ बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, झूठ बोल रहा तू। फिर मेरे को कमी नहीं है कोई पैसे की। फिर तो तेरी बेटी ने क्यों डाली फिर? तो झूठ बोल रहा तू यार। अभी क्या मुद्दा है, कमेटी डाली तो क्या दिक्कत है? 5 महीने के पैसे देने का, 6ठे महीने उसने कमेटी उठा ली। 5 महीने की किस्त उसने दे दी, 10,000 रुपए देती गई, 50,000 हो गए। फिर 6ठे महीने आई, फिर 6ठे महीने बोली यार मेरे को पैसों की नीड है, पापा के क्या बोलते हैं, पापा का हॉस्पिटल में है तो मेरे को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैं हॉस्पिटल में हूँ क्या? ये देख हॉस्पिटल में हूँ मैं, लग रहा हूँ तू कल से। एक बार दोबारा जम मारना, 2-3 जम मारो। ये तो सही तो है वो, झूठ बोल रहा है लड़का। उनकी बेटी मेरे पास क्यों आई थी भाई फिर, ये तो बताओ। तो तू पहले जाके अंकल को देखता ना कि बीमार लग मार पा रहे अंकल में ताकत है नहीं है। भाई वो मेरी दोस्त है इतने सालों से, मैं ऐसे विश्वास तो एक चीज होती है विश्वास। अरे कहाँ से बीमार हूँ, कूदा और कूदू, ये ले ये इसके ऊपर कूद के दिखाऊं तेरे पे। कूदू बस बैठ, बीमार लग रहा हूँ मैं, तू लग रहा बीमार। 3 महीने पहले बीमार थे क्या आप? अरे भैया मैं तो बीमार पड़े, मैं आज से 9 साल पहले बुखार आया था, वो भी 6 घंटे का। बस तो तेरी बेटी ने झूठ क्यों बोला मेरे से? अरे तू झूठा यार, तू बकवास मत फाल फाल। तो तुम पे वो दुकान पे सारी कमेटी की कॉपी वगैरह तो होगी, किसने कितने पैसे सब चीज़े, सब सारी बड़ी। और तेरे बाप अभी तेरे से कमेटी के लिए लड़की के पैसे मांग रहा है और मांग रहे, और 3 महीने से तो मैं भर रहा हूँ अपनी तरफ से, 30,000 रुपए दे दिए। अरे मेरी बेटी मेरे से लेके जाती 200 रुपए, तेरे से अगर लिया होता तो मेरे से मांगती के पैसे। 200 रुपए क्यों लेती है, खर्चे के किराया भाड़ा जाती है, कॉलेज जा रही हूँ मैं जी, यहाँ जा रही हूँ। 200 रुपए थोड़ी मेरी बेटी नहीं पीते ऐसे। देखो ये आप ये झूठा है, आपको पता है। नहीं एक मिनट, तू उसका गुड फ्रेंड है ना। हाँ। उसकी क्या क्या आदत है, क्या क्या नशे करती है, एक बार उसके पापा को बता। नशे वो सिगरेट पीती है, दारू पीती है, क्लबों में जाती है, मेरा आप शॉर्ट मतलब इतने जो कपड़े होते हैं वो पहनती है, सूट में जाती है मेरी लड़की, सूट में जाती है, सिगरेट नहीं पीती, क्लब में जाती है वो। मतलब नहीं जी, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, 100 रुपए का उसने किराया लगा दिया, 100 रुपए की इंडिमेंट की डब्बी लेके वो अगर पीने लग गई, आपको कैसे पता लगेगा? मुझे पूरा विश्वास है मेरी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, ये लड़का जरूर मेरी लड़की को बदनाम करने के पीछे पड़ा हुआ है। अपनी आंखों से देखा है कभी? तभी तो कह रहा हूँ मैं, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। तूने कभी देखा नहीं अपनी बेटी को? मैंने देखा है, मेरे साथ कहीं का वो वाली आपने रील देखी होगी, अगर आप इंडिमेंट पीते हो तो आप मीठे हो, तो मतलब इनकी जो बेटी इंडिमेंट पीती है फिर उसका क्या चक्कर होगा, मतलब मीठी का उलट क्या होता है, एक बार कमेंट्स में आप भी हमें बता दो। बकवास कर रहा है, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, तेरी बेटी ने पैसे दिए। मेरा पारा हाई हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी तक बर्दाश्त करके बैठा हूँ तेरे मैं को। बच्चा तो हूँ नहीं है? मैं पैसे ऐसे ही नहीं देता हूँ किसी को। अच्छे घर का लग रहा है इसीलिए तेरे को बोल रहा हूँ मैं, पैसे दे मेरे है? किस बात के पैसे दूंगा तेरे को मैं? ओए ये क्या कर रहा,
क्या कर रहा है ये देखो, एक ये देखो ये फोन इतना महंगे फोन चला रहा है। अरे तो मैं कमाता हूं यार, हैं क्या कर रहा है ये सब, क्या हो रहा है, ये देखो कर रहा है भाई, बीड़ी तो पीऊंगा नहीं, पिलाऊं बीड़ी अभी, इधर 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 दो, इधर फोन नहीं दूंगा मैं जब तक ये क्या है बीड़ी है, तो बीड़ी भी ना पीऊं मैं, कमाता हूं भाई अच्छा भला। 502 नंबर बीड़ी भाई, जूम करके दिखाओ। हैं बैठो अंकल, आईफोन कौन सा, फोन दे दे, एक मिनट अंकल, ये एक रुपए का नोट संभाल के रखा आपने? हाँ। अच्छा भाई अभी अंकल के जेब से निकली है 502 की बीड़ी और आईफोन, या पकड़ो। अब अगर तूने अंकल की जेब में हाथ डाला है ना, बदतमीज, बड़ों से बदतमीजी नहीं, पैसे लेने भाई, पहले पैसे लेने, हाँ पैसे लेने में आराम से, जेब में हाथ मत डाल किसी के, देख रहे हो। तो भाई इनकी गलती है ना, इनकी बेटी, तूने मेरे को क्या बोला, मैं कैसे मान जाऊंगा, इसने मेरे को ये बोला कि मैं आपकी 2 साल से वीडियो देखता हूँ, तो तूने ये देखा कि बड़ों के साथ हम बदतमीजी करते नहीं करते? नहीं भाई। फिर क्यों कर रहा भाई? मेरे पैसे चले गए, मेरे पापा मेरे बहुत वो कर रहे हैं, समझा करो भाई, मेरे बहुत मारेंगे पापा। अभी अभी तेरे पापा तेरे को बोल रहे ना, अभी तेरे पापा की अभी वो वाली तो नौबत नहीं आई ना, कि तेल उठा के तेरी वो कर दियो, सिकाई कर दियो, वैसी तो नौबत नहीं आई ना अभी, अभी तो नहीं आई भाई, लेकिन मैं अपनी तरफ से पैसे दे रहा हूँ ना उसे, ये दिलवा देगा अपने बाप से 3 लाख रुपए, सच बोलना, पढ़े लिखे हो। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के, होप हो गए सारे बढ़िया। हम आ चुके हो एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, हेल्प करने के लिए आ रखे थे, लेकिन अंकल के जेब से निकली है बीड़ी 502 नंबर। मैंने सुना ये बीड़ी काफी महंगी आती है, बाकी आपको सभी को पता होगा, अगर जिसको पता वो बता देना ये बीड़ी कितने की आती है। अभी यहाँ पे सीन बीड़ी का नहीं है, सीन यहाँ पे है कि इनकी लड़की ने डाली एक कमेटी इसके पास, इसके बाप डालता है भाई कमेटी वगैरह, ठीक है। तो लड़की ने क्या करा, 5 महीने की किस्त दे के 6वें महीने उसने 3 लाख रुपए की कमेटी उठा ली। अब वो 3 महीने से जो है भाई इसका फोन नहीं उठा रही, और जब भी ये फोन करता है ना तो वो यूं बोल देती है कि भाई मेरे पापा की तबीयत खराब है, मेरे पापा हॉस्पिटल में, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मतलब अनाप शनाप बोल रही है, ठीक है। और अभी आपके सामने अंकल ने जंप मार के दिखाया, अंकल एक बार दोबारा दिखा दो सबको, हेलो बीमार हूं मैं देख लो। और अंकल ने ये भी बोला कि मेरे को 9 साल पहले एक बुखार आया था, वो भी 6 घंटे का, जिसको 6 घंटे का 9 साल पहले बुखार आया था, क्या वो बंदा यार हॉस्पिटल में जाएगा? मतलब इनकी लड़की झूठ बोल रही है, फिर ये झूठ बोल रहा, हमें ये समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा अंकल? जैसे आप बोलो, लग रहा है तो सकल से झूठा लग रहा है मुझे तो भैया। तो अब आप क्या चाहते हो, क्या करें? देखो मैंने ये सुना है, आदमी अच्छा नहीं होता, मेरे पे प्रूफ है सारा, दुनिया देखी है, सारा प्रूफ है मेरे पे, उम्र होगी मेरे को देखते देखते। देखो आपने एक चीज तो सुनी होगी ना, कि कहीं पे अगर पात कोई देगा तो ही बदबू उठती है ना, अगर ऐसी कोई बात हुई होगी तभी तो ये वाली बात इधर उधर फैल रही है ना। मैं खर्चा देता हूँ यार, इसको क्या जरूरत पड़ेगी पैसे मांगने की, क्या करेगी? मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप बड़े हो, क्या कहते कहते ना कि जो कहीं पे पात मारेगा वहीं पे तो बदबू होती है, ऐसा सुना है ना आपने? सुना है ना, मतलब आपकी बेटी ने कोई ऐसी हरकत करी होगी तभी तो ये बात उठ रही है ना सबके पास इनडायरेक्टली। मतलब भाई अगर आपकी लड़की बैठी, अगर आपकी लड़की ने पादा होगा तभी तो ये वाली सारी बदबू एक दूसरे के पास जा रही है ना। बताओ मैं कैसे मान लूं उसकी बात को, आप बताओ, आप बताओ, कोई बाप मान लेगा यार? आप भाई आप ही बाप बनोगे, बात तो हवा में चला जाता है, ये वीडियो बना के भी कैसे दिखाएगा? प्रूफ तो ऐसे एक ही शर्त पे हो सकता है, अगर तू उसको अपनी गुड फ्रेंड को यहाँ पे बुला ले। मतलब तूने गुड फ्रेंड को 3 लाख रुपए उठा के दे दिए, लोग अपनी गर्लफ्रेंड को 3 रुपए नहीं देते अपनी, क्योंकि आजकल ना गुड फ्रेंड थोड़ी ज्यादा होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गुड फ्रेंड का ना थोड़ा दर्जा ज्यादा होता है, समझ रहे हो ना? तूने मुझे नहीं बोला आजकल, तू तो मेरी दुकान पे आ गया था, तू मैं जानता था, मुझे बोलता ना तेरी बेटी वहां से। अभी एक काम कर, तू इनकी बेटी को यहाँ पे देख, तेरे पैसे लेके गई है, तू उसको ट्राई करके यहाँ पे बुला, क्योंकि अंकल को देख यहाँ पे बुला रखा है, सुन ना, अगर तू उनको यहाँ पे बुला लेगा ना लड़की को, तो ना दूध का दूध पानी का पता लग जाएगा कि तूने पादा, उसने पादा, इन्होंने पादा, मैंने पादा, सारी चीजें यहाँ पे पता लग जाएंगी। क्योंकि भाई अगर बात उठी है तो बात हुई होगी, ऐसे तो कोई भी आके नहीं बोलेगा भाई 50,000 रुपए दे के 3 लाख रुपए लेके गई। अब इसका बाप इसको मार मार के इसकी बेचारे की देख लो आंख। अरे तो इसको मुझे बताना चाहिए था ना, अब कल के दिन इसके पापा वो तेल उठा लेंगे सांडे वाला, फिर इसकी पूरी तबीयत खराब कर देंगे। तू दे रहा है, तुझे ये नहीं लगा कि इसके बाप को जाके बताऊं मैं इतना पैसा क्या करेगी? पहले बात तो मैं इन्हें जानता हूं, इन्हें जानता हूं, इनकी लड़की को भी जानता हूं, इनके परिवार में सबको जानता हूं। तो एक तो विश्वास नाम की चीज होती है, तो मैंने विश्वास के नाम पे दे दी है कि भाई अच्छी फ्रेंड है वो। अभी अगर तुम लोगों का मैटर यहाँ पे सोल्व नहीं हुआ ना, तो मेरे पास आ रहा है मेरे दोस्त का फोन, और वो है भाई पुलिस में, ठीक है। अगर तेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा, अगर यहाँ पे सिस्टम, ये वाला सिस्टम सही नहीं होता ना,
तो हम जाएंगे भाई सीधा पुलिस पे, क्योंकि 3 लाख रुपए का वो है। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई। लड़की को यहाँ पे पहले तू बुलाने की कोशिश कर फोन करके, उसके बाद अगर वो यहाँ पे आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भाई आपके घर पे जाके करेंगे मामला सेट। ठीक है जी, बताओ, पता तो लग जाएगा कौन सच्चा कौन। भाई जब तक आप ना, पता है क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 3 लाख रुपए का बहुत बड़ा मैटर लेके आया हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। और ऐसी चीजें आपको पता है आए दिन तो होती नहीं, कभी कभी होती है, तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। बाकी मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में, फोन कर उसको। कैसे मेरा जीना आराम कर रखा है तू? पागल हो गई है क्या? तो फोन क्यों उठा रही मेरा? अरे तू बैठ पहले, कैसी बात है यार? पहले बात तो मेरे पैसे दे यार। तो मेरा बाप हॉस्पिटल में पड़ा है, तेरे पहले पैसे दे दूं? और नहीं तो यार, पैसे नहीं देगी 3 महीने के, पैसे नहीं दे। पहले बता फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे यार मेरी सिम किसी और फोन में थी, क्या करती है? मेरे को नहीं पता यार, मेरे पैसे दे, मेरे पापा मारेंगे। ऐसा थोड़ी है, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे बाप की तबीयत खराब है, मैं उसे मरना छोड़ दूं क्या? तू पागल हो गई है कि यार मेरे पैसे क्यों नहीं दे रही? तो ले लियो यार, ऐसा तो नहीं है कि तेरे पैसे मैं तुझे नहीं दूंगी। तो नहीं दे रही ना तू, 3 महीने फोन नहीं उठा रही है? तू बैठ जा, बैठ जा यार, मेरे को नहीं पता, पैसे दे। ले लियो, चल कोई बात नहीं। क्या ले लियो? पैसे अभी चाहिए मेरे को, अभी दे। ले लियो यार, ले लियो, क्यों तुम वहीं पर हो रहा है? चल यार, लहूंगा नहीं यार, पैसे देना, 3 महीने तू फोन नहीं उठा रही है मेरा। दे दूंगी, दे, मेरे को नहीं पता, पैसे दे, मेरे को नहीं पता। तो यार दे रही हूँ, 5 महीने के तेरे पैसे दिए ना, 3 महीने रहना, दे दूंगी। तो 6 महीने तूने उठा ली, फिर उसके बाद फोन ही नहीं उठा रही? तो ये तू कैसे बात ही कर रहा है? तुझे क्या हो गया? आराम से बात कर। नहीं यार, मैं पागल हो चुका हूँ, मेरे पापा मेरे को यार सच में मारेंगे बहुत। चल ले, तेरे पापा से मैं बात कर लेती हूँ यार। नहीं तेरे पागल हो गई है क्या? पापा यार हॉस्पिटल में है, मैं क्या करूँ? मैं तू समझ रहा है ना? मैं यार बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा यार, समझ नहीं रही तू बहुत ऐसी बातें कर रहा है यार। वही तो कह रहा हूँ, तू मेरी दोस्त है, समझा कर थोड़ा सा यार, पैसे दे दो। ऐसा तो है नहीं कि मैं तुझे दूंगी नहीं यार, तू नहीं दे रही ना 3 महीनों में। भाग गई, चली गई? तो चली गई थी यार, आई ना, आज भी आई ना। तो फोन कराए थे, रिक्वेस्ट करी कि यार आजा, समझा कर, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, जब तो तू आई है, तेरे आगे गिड़गिड़ाया मैं यार। मेरे को यार पैसे दे, मेरे को नहीं पता यार। यार तुझे क्या बोलूं, तू कैसी बातें कर रहा है यार? करूंगा नहीं क्या यार, मेरे को नहीं पता यार, पैसे दे, मैं पैसे दे मेरे को यार। ले लियो, जल्द दिमाग खराब मत कर मेरा, ठीक है ना? पैसे दे मेरे को, मैं तो पागल हो गई है कि यार, पापा समझा कर, 3 महीने तेरी कमेटी भर रहा हूँ मैं, अब तो मेरे पे भी पैसे नहीं है। दिमाग खराब मत कर, अबे तू पागल हो गई यार, समझा कर यार, समझा कर प्लीज यार, दे दे पैसे यार, समझा कर प्लीज यार, पैसे दे। ले लियो ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? ले लियो। अरे पैसे दे यार, बाप को मरना छोड़ दूं, तेरे पैसे लाके पहले दूं मैं तुझे? अबे तो पैसे तो देगी, तो देगी नहीं क्या? हर महीने दे नहीं रही थी क्या? तो दे रही थी ना, तो तू क्यों ऐसे बात कर रहा? दे दूंगी जब। यार मेरे को पैसे चाहिए, पैसे दे। तू पैसा पैसा लगा रहा है, कैसी बातें कर रहा है? तेरे बाप से मैं बात कर लूंगी, ला बात करा, चल। नहीं करेगा यार मेरे बाप, तू समझ नहीं रही है, बिल्कुल बहुत मारेगा, समझा कर, तेरे को भी मार देगा, समझा, वो पागल। क्यों मार देगा? तेरे बाप में इतना दम आ गया क्या? यार बहुत पागल आदमी है, समझा कर, प्लीज दे दे यार। चल ले लियो यार, मैं तुझसे कह रही हूँ अभी रुक जा, मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं तुझे दे दूंगी। यार तो मैं क्या करूँ, तेरे बाप की तबीयत खराब है तो मतलब मैं अपने बाप को मरना छोड़ दूँ? कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया है क्या बिल्कुल ही? यार मेरे को नहीं पता, पैसे दे। अबे सकल मत, निकल यहां से, नहीं दे रही तेरे पैसे। अबे तू पागल हो गई है क्या? नहीं दे रही तेरे पैसे। कौन से पैसे चाहिए मेरे को? पैसे चाहिए मेरे को? पैसे चाहिए यार, कौन से पैसे? हाथ क्यों लगा रहा है, पागल है क्या? पैसे दे, पैसे दे यार, मेरे को नहीं पता, पैसे दे। हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ जल्दी यार, हाथ छोड़ दे, पैसे दे दे। कौन से पैसे? नहीं दिए, दे ना, नहीं दे रही तेरे पैसे। पैसे दे दे, नहीं दे रही, तेरे थप्पड़ मारूंगी, औकात कैसे हो रही तेरी छूने की? अबे तू पागल, अबे नहीं दे रही पैसे, चल अबे इधर आ। अरे पहले बात करके जा, भक्की क्यों जा रही है? हाथ छोड़, भक्की क्यों जा रही है? हाथ छोड़, तेरी औकात, तेरी औकात कैसे हो रही है? मैं अबे ओ, औकात कैसे हुई तेरी? तू मुंह क्यों पकड़ रही है बिना बात के? तेरे पैसे बोल रही है, लिए हैं तेरे पैसे, पैसे लिए हैं तूने? कौन से पैसे, किसके सामने लिए थे? निकल ना यहाँ से, 3 लाख रुपए, चल निकल, जल्दी निकल। 2,90,000 रुपए नहीं लिए? नहीं लिए है? नहीं लिए। 2,000 रुपए की पीछे मारने की कमेटी काट के? कौन से पैसे? मैंने नहीं लिए कोई। अबे तू पागल है क्या? हाँ बोल, क्या कर लेगा? पैसे दे यार, तू पागल है क्या? पैसे दे यार, छोड़ हाथ, पीछे पहले तो। अब तेरे हाथ पीछे, पीछे चल। क्यों पीछे हूँ मैं? नहीं दे रही तेरे पैसे, पैसे मैंने तो लिए नहीं तेरे पैसे। कौन से पैसे हैं? किसके सामने दिए थे तूने? पैसे दे, जिसके सामने दिए थे उसको लेकर आ जा। मैंने भरोसे पे दिए थे यार, पैसे दे दे, समझा कर यार। अरे भरोसा क्या तेरा, भाड़ में तेरा बाप और तू जाए भाड़ में। अबे तू पागल है क्या? अबे इतने तो इतने टाइम से हम दोस्त है, तू पागल हो गई है? टाइम से हम, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, बोल अब। नहीं है अब? बोल नहीं हूँ।
यार समझा कर यार, पैसे दे दे यार प्लीज। नहीं दूंगी, अबे चल। पहले पैसे दे मेरे को, नहीं बता। पीछो। पैसे दे। पीछो। नहीं हो रहा। अबे ओ। खड़ी कैसे है एट में? तेरे बाप तो उसमें है ना, हॉस्पिटल में। ऐसी खड़ी है क्या? अबे रुक जा। क्या रुक जा? देखो ये इंसान मेरे बाप हॉस्पिटल में, और ये इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है। अबे तू पागल है, मैं अपने बाप को बना रही है, वीडियो को बना रही है। देखो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। वीडियो मत बना, वीडियो मत बना, वीडियो। मैं तो पागल हो गई है क्या? चल ना निकल। पैसे दे मेरे। अबे पैसे दे पहले मेरे। छोड़। पैसे चाहिए मेरे को, पैसे दे मेरे यार। नहीं तेरे पैसे। अबे तू पागल है क्या? पैसे दे दे। ये हरकत मत कर। अपनी ना औकात में रह, तू औकात में। इतनी औकात नहीं हो गई तेरी? औकात की बात कर रही है? पैसे दिए। अबे चल, तू पैसे दिए है ना, बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया तूने। नहीं तेरी तेरे पैसे। बोल। पैसे दे मेरे। नहीं दे रही। अबे यार तू पागल हो गई है क्या? बकवास मत कर मेरे। पैसे दे मेरे, मेरे को नहीं पता। चल निकल, चिल्ला के मत दिखा। मैं पागल है क्या? 3 लाख रुपए दे मेरे के, मेरे को। निकल। 3 लाख रुपए दे। निकल निकल निकल। 3 लाख रुपए दे। कौन से 3 लाख? कौन से 3 लाख? नहीं दिए तूने मुझे कोई 3 लाख। जो मैंने तेरे को पिछले महीने दिए थे। अरे कौन से? नहीं मैं नहीं जानती। यार पैसे दे मेरे को, 3 लाख रुपए दे। मैं नहीं जानती। भाई मेरे पापा मेरे को मार मार के। कौन से पापा? कौन मेरे पापा? तुझे मारे मुझे क्या? तेरे को जान से मारे, तेरी कहीं भी कुछ भी करे, तुझे क्या और मुझे क्या? पहले पैसे दे मेरे को। चल निकल। पैसे दे। निकल। मैं चल निकल यार, समझा कर। मैं हार भी नहीं सकता यार, पैसे दे। ऐसा भी पुलिस को बुला के लाऊंगी, तू और तेरा बाप दोनों जेल के अंदर होगा अगर मेरे बाप की ऐसी हालत देख ली तो। मेरे पे ही प्रूफ है, मैं भी दिखा दूंगा पैसे दे। जा 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 जा। कोई नहीं, जो मेरे प्रूफ होगा। पहले पैसे दे मेरे को। नहीं तेरी। अबे तू पागल हो गई है क्या? हाँ बोल। यार प्लीज दे दे पैसे दे। यार पैसे दे मेरे को। निकलना यहाँ से यार, तू निकल जल्दी। यार पैसे पैसे दे यार, 3 लाख रुपए। तू पागल हो गई है क्या? हाँ बोल। तो पहले पैसे दे। नहीं तेरी तेरे पैसे। पैसा वैसा कर रखा है इतनी देर से, अपने बाप को मरता छोड़ दू तेरे चक्कर में। तू पागल हो गई है क्या? हाँ बोल। तेरा बाप मर जाएगा, मैं क्या करूँ? हाँ तो मैं क्या करूँ, तेरा बाप तुझे मारेगा तो। यार पैसे दे। करता रहे ऐसी हालत खराब अपनी, तो इसी लाएगा सारे। तेरी औकात ही यही है। तेरे से बहुत बड़ी गलती करी है मैंने, दोस्ती करके। आगे से मत भरोसा भी मैंने गलती करा है मैंने तेरे। सही बात है, अब तू निकल जा। चल यार मेरे को नहीं पता। चल निकल। अबे तू पागल है क्या? यार पैसे दे दे, पैसे दे दे। कितना ड्रामा कर रहा है यार तू। यार ड्रामे की बात नहीं है, मेरा बाप मेरे को मार देगा। तुझे मारेगा, मैं क्या करूँ? अपने बाप से बोल, किसी और ने दिए थे मैंने। तू अपने बाप से बोल, तूने उड़ा दिए कहीं। मैं क्यों? तूने मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं। तेरे पैसे। यार पैसे दे दे, समझा कर। नहीं दूंगी भाई। मेरे पापा, मेरा बाप हॉस्पिटल में मर रहा है, उसके इलाज के लिए इतने देर से पैसे लिए, उसको मरता हुआ छोड़ दूं क्या मैं? तेरे पैसे पहले दे दूं। तेरा बाप? यार मेरे पैसे तो दे तेरे बाप, कुछ भी होता रहे तेरे बाप को। अरे तू पागल है क्या? यार मैं नहीं दूंगी तेरे पैसे। पापा देख। पापा। पापा की बच्ची। पापा मारो मत पापा, पहले देख ले। अरे पापा। अरे बैठ जा, मैं सोच रहा तू झूठ बोल रही है। ये या झूठ बोल रहा है? देख ले अंकल, तुम्हारी कहानी में पापा मैंने नहीं लिए इससे पैसे। कहाँ है पैसे इसके? झूठ बोल रहा है ये। ले ले ले, मत मारो पापा, प्लीज मत मारो। मेरी नाक कटवा दी अंकल। तुम पैसे जितने मेरे से मांगती ना, तुम ही कह रहे थे तुम्हारी लड़की ने पैसे नहीं लिए। ये झूठा नहीं, तू झूठी है, शर्म नहीं आ रही? क्या काय के लिए पैसे से? अरे पापा मारो मत प्लीज, अपने मत मारो। नाक कटा दी मेरी, किसने लिया पैसे तूने? मैं तो इसको सोच रहा झूठ बोल रहा। देख लिया अंकल अब। तू लड़की मेरी, मत करो ना, मत करो। क्या मत करो? क्या करना था पैसे को तेरे? मेरे से बोलती कहाँ इसके पैसे? नहीं अंकल नहीं,
अरे बेटा मैं तेरे को गलत समझ रहा था, ये मेरी बेटी मर जाती सच्चा तू तो, अरे मेरे से मांग लेती, तेरे को क्या कमी रखी मैंने। अंकल अब मेरे पापा भी मेरे को मारेंगे, पैसे नहीं दे रही, अब देखो पैसे कहाँ करी तू, वो पैसे तो दिया इसने। मत करो लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे, मत करो आप। तेरी माँ ने ये शिक्षा दी थी। मैं सोच रहा झूठ बोल रहा है, सब सुन रहा था मैं, खड़ा हो गया। अरे मेरे से बोलती ना, अच्छा लग गया तुझे ये सब करवा के? अच्छा क्या लग गया, तेरे पापा के सामने तेरे के सामने सच्चाई नहीं दिखानी थी मेरे को? पहले मैंने तेरे पापा से ही बात करी थी। ऐसे होते हैं दोस्त तेरे जैसे, दोगला कहीं का? दोगली तो तू है, दोगली तू गलत है, दोगली फिर कर रहा था, जान से मार दूं यहां मैं। ना कटवा कर रखते तूने, मर क्यों नहीं की, पैसे लेते नहीं। अंकल आप क्यों कर रहे हो, आप तो सही हो अपनी जगह। समझ रहा था, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मेरी बेटी ऐसी करेगी यार। अंकल मैंने भी नहीं सोचा, मेरी दोस्त समझ के मैंने इसको दिए थे पैसे। मैंने दिन रात एक पैसा जब मांगी थी मैं देता था यार, मैंने ना कटवा दिया मेरा। अरे बेटा क्या रोऊं मैं, तब किस्मत को रो रहा हूँ मैं अपनी। यही बेटी है ना, आप कह रहे थे कि मेरी बेटी थी, मैं बिल्कुल नहीं विश्वास कर रहा था। मैं नहीं पीती, ये लड़का झूठ बोल रहा है, पीती नहीं खुद, तू भी दारू भी पीती होगी, मैं तो सिगरेट के भी नहीं मानता। मत बोलो भैया, क्यों बोल रहे हो ऐसे आप? भैया क्यों ना बोले, भैया ने अब क्या गलती कर दी है जब तुम इतनी बड़ी? ऐसी कोई कमी रह गई क्या, आप ऊपर से बोलने आ गए जो? आपके पापा और ये ना मेरे पास आए कब का, ठीक है, और ये पता है क्या कह रहे थे कब का, कि मेरी बेटी, ये जब जब बोल रहा था ना कि मेरी आपकी बेटी ने मुझसे पैसे लिए, इन्होंने पता है क्या बोला, कि मेरी बेटी मरते दम भी तक भी ऐसे नहीं कर सकती, और तूने अपने बाप को जिंदा 3 लाख रुपए के लिए मार दिया है। ऐसे काम 3 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए इसने कमेटी के उठाए ये बोल के कि मेरे पापा हॉस्पिटल में, और पापा देख लो यहाँ पे बैठे हुए। करी तू 3 लाख क्या करने, क्या तुम्हें 3 लाख रुपए के क्या करने, 3 लाख रुपए तो 3 लाख रुपए चाहिए था। कमेटी उठा के, मतलब 3 लाख रुपए की कमेटी इस चक्कर में उठाई कि पापा की तबीयत खराब है और पापा यहाँ पे जिंदा बैठे हुए हैं। लगा लो जाके, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। क्या माफ कर दूं, नाक कटा दी मेरी, कहीं शकल दिखाने लायक नहीं रहा मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी माँ को पता चलेगा वो तो पता मर जाएगी, मैं तो जिंदा। आपको तो मार दिया 3 लाख रुपए के चक्कर में। अरे मैं क्यों बोल रही हूँ, आप अपने गुड फ्रेंड को बोलो ना, जिसके साथ आपकी दोस्ती थी, आशिकी थी, प्यार था, जो भी था, वही तो लेके आया यहाँ पे आपके पापा को। आपके पापा को दुकान पे जाके बेइज्जत करके आया, वो बताया आपको? बताओ ना दुकान पे क्या बेइज्जती हुई आपकी। ये लड़का आगे बोला, मैं बात नहीं माना इसकी, यहाँ पे खड़ा हो, ये सच्चा था बेचारा। मैं तब भी मैंने कहा यार दारू पी के आ गया साला। अंकल मैं तो दारू ही नहीं पीता, यही मेरे को एक बार बोल रही थी चलने यार। एक लड़की हो के शराब पीती, सिगरेट पीती, बताओ एक लड़का कह रहे मैं सिगरेट पीता हूं, यहां पे बाप पी रहा है बीड़ी, बेटी पी रही है सिगरेट, देख रहे हो जमाना कैसा आ गया। बेटा माफ कर देना मेरे को, इन्होंने कभी अंकल आप मत करो, आप इन्होंने कभी अपनी उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, बेटी ने बॉयफ्रेंड बना लिया, वो भी गुड फ्रेंड के रूप में। बाप को बीमार कर दिया, बताओ यार क्या है तू? अब बाप तुम्हारी कहाँ पे जाके शक्ल दिखाएगा अपनी, बताओ? ये बोलेगा मेरी बेटी ने 3 लाख रुपए लिए थे क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था, जबकि बाप तो खुद जिंदा था, क्या बोलेगा? कैमरा क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है तू, क्या बेइज्जती करवाने के लिए लाया है यहाँ पे मुझे? तेरी सच्चाई दिखवाने लाया हूँ। बाप ने कैमरा लगाया, उसने पता क्या बोला, मेरी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती, मेरा ये कैमरा लगाओ, मेरी बेटी गलत हो ही नहीं सकती। इनको क्या पता था कि मेरी अपनी बेटी ही गलत निकलेगी, इनको क्या पता था कि इनकी बेटी ही इनको जिंदा स्वर्गवास पहुंचवा देगी। बस भी करो यार भैया, मेरे को नहीं यार, तुम भैया मत बोलो, नो भैया नो सर, ओनली सैया जी, भैया 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 वाले सिस्टम ना मेरे पल्ले नहीं पड़ते भैया, आप ऐसे धोखेबाजों के तो बिल्कुल नहीं बनना मेरे को, भैया सैया सॉरी, ना भैया ना सैया। एक लड़की हो के तू इतना बड़ा कदम उठा ली, बताओ यार, आज तुम्हारी इज्जत का भी परवाह नहीं करे? मेरे को तो बहन बोलने में भी शर्म आ रही है कि मैं इसको बहन बोलूं अपने लिए। में मुझे सलूट मारते हैं सर, क्या बोलते हैं आपको कि आप इतनी अच्छी इज्जतदार हो, इधर आ रहा आदमी आ रहा, आपकी इज्जत बना के गई लोग, अपनी मेहनत से कमाई है मैंने पैसा, ऐसे हराम खोरी करके नहीं कमाई, अब मेरी बेटी ऐसे निकल गई, बताओ मैं तो कहीं कहाँ जाके मरूं मैं, बताओ जगह भी बता ही दो, वही जाके डूब जाऊंगा, अब मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।
अब रोने से मैडम क्या होगा, एक बात तो बताओ, जो आपने 3 लाख रुपए मांगे थे, आपको 3 लाख रुपए का करना क्या है? एप्पल का मैकबुक लेना था, आईफोन लेना था, मेरे दोस्त सारे मुझे चिढ़ाने लगे थे उसकी वजह से, सबके पास था मेरे पास नहीं था, मैं क्या करती, मेरी बेइज्जती होने लगी थी उनके सामने, इसके पास भी आईफोन है मेरे पास ही नहीं था, तो दुनिया के सामने तू क्या दिखा रही थी? पापा मेरी बेइज्जती नहीं होती थी क्या? बेटी ने 3 लाख रुपए लिए ये बोल के कि मेरा बाप हॉस्पिटल में, जबकि बाप कोई हॉस्पिटल में नहीं था, और बेटी को असलियत में लेना था आईफोन और एप्पल वॉच और मैकबुक 3 लाख रुपए का, उसके लिए उसने अपने बाप को मार दिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छी, मतलब अति सुंदर विचार इनकी बेटी के। इनके बाप को गली में लोग यूं बोलते हैं कि अंकल जी कैसे हो, क्योंकि इन्होंने इज्जत कमा रखी है, और इनकी बेटी ने पता है क्या कर रखा, पैसे लूट रखे हैं, कमेटी के पैसे लूट रखे हैं, लुटारी बेटी। अब देश को पैसे कहीं से भी ला के कहां से देगी, कहीं से भी ला, जब ये देख लो नेल पेंट करवा के आई है 1000 रुपए के, इससे अच्छा मंगल बाजार चली जाती, 20 रुपए का लेके नेल पेंट खुद ही कर देती घर पे। ये क्या, ये झुमके लगा के आई है, बताओ कहाँ से लेके आई है, जारा से झुमके लेके आई है, सरोजनी नगर से? अरे लड़कियों को देख के तू भी बिगड़ गई, बताओ मैं सोचा नहीं था इसके बारे में। क्या फायदा हुआ हमारे, देख लो बिना नेल पेंट के नेल्स कितने अच्छे लगते हैं इनके, देख लो दूसरों से पैसे लूट के नेल पेंट करवाने के लिए गई है, ये कोई बात हुई? ठीक है ना, हो गई मुझसे, हो गई ना गलती, एक और भी गलती करो, अपने बालों को बेबी कट करवा के आ जाओ, दांत भी साफ करवा के आ जाओ, ये गुटके वाले अपने, गलती करो ना फिर इकट्ठे, गलती करो इकट्ठे, माफ कर देंगे, अपने बाप को तो मार दिया तुमने, वो खड़ा उसकी शक्ल देख लो, उसके बाप ने उसको मार मार के ना, वो देख लो 32 दांत थे इस बेचारे के, 28 तो है दोगला लाया इसलिए। तुम बड़ी अच्छी हो, तुम दोगली नहीं हो, बात कर लेता। तुम दोगली नहीं हो, तू फोन उठा रही थी देर से बात करते हैं, ये मोमोज की चटनी पड़ी है खा लो, ये मुझे नहीं बुलाता, ये नहीं बुलाता, उठा के दियो भाई, ये नहीं बुलाता, तू तो और किसी को फिर काटती 3-4 लाख रुपए ले लो मोमोज की चटनी। क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं खाना, खा लो ना, ये तुम्हारे पापा को खिलाऊंगा नीचे की, रुको तुम्हारे पापा को खिलाऊ, नहीं एक मिनट जी अंकल, एक मिनट छोड़ो, ये देख लेगी, खिलाऊ आपके पापा को, बेशरम लड़की है, देख लेगी, शर्म नहीं पड़ती, शर्म नहीं आ रही, खिलाऊ ना, कर लो ड्रामा, कर लो अंकल, ना कर लो ना, आप ही कह रहे थे मेरी बेटी ऐसी नहीं, मेरी मेरी बेटी हूर की परी है, मेरी बेटी सिगरेट नहीं पीती, बाप खुद बीड़ी पी रहा, बेटी सिगरेट पी रही है, भैया मुझे नहीं बाप पता को था। कभी ये नहीं पता कि लड़कों की गर्लफ्रेंड बनती है और बेटी यहाँ पे बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है, तो सारी चीजें उलट हो गई यूं, ये देखो अब लड़की के साथ साथ तोड़ना घूमता मैं, मुझे तब पता चला, अब आप बताओ क्या करना है, आप ही बोलो, आप ही बताइए कुछ, ये देख लो ये मेरी वीडियो देखते हैं, इनको ही पता है कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भैया आना इधर तो... आओ बच्चों इधर आओ, आओ आओ तीनों इधर आओ, आओ अरे बच्चों के सामने क्या, आप इनको ही पता है, देखते हो ना वीडियो सारे, ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना, गंदी बात होती है, गंदी बात होती है ना, अरे बताओ ये आप उसको देखो ना, ये अरे मैं क्या इतना कर रहे हैं, इसने तो मेरे नाक कटवा दी है, अब आप ये बच्चों के सामने नहीं, ये भी तो देखते हैं ना हमारी वीडियो, ये भी देख देख के यही सीखे ना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो लड़के ने इसको भी सिखाओ ना, अब लेके जा रहा हूँ उसको मैं, पिटाई करूंगा इसकी अच्छी तरह, ले तो लेके जाओ उसकी कट ऑफ करो, पिटाई कब लेके जाओगे, कल परसों लेके जाओगे, कब लेके जाओगे, लेके जाओ इसको ढंग से, बताता हूँ मैं, बताओ इसको ढंग से, ये क्या तरीका होता है, ऐसे होता है क्या, जाओ ना लेके जाओ अपनी बेटी को, ये चप्पल भी तो लेके जाओ ना अंकल, चप्पल भी तो कैच करो अपनी बेटी के, कहाँ गई तुम्हारी दूसरी चप्पल, लो लो कर लो बेटा, उसको दूसरे के पैसे खा लिए, बताओ कमेटी के 3 लाख रुपए, ये देख अपना फोन रख के गई है, अब दियो मत उसको, नहीं दूंगा, मत दियो उसको, ये तेरा, हाँ मेरा है भाई, तुम भी वीडियो देखते हो, गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए ना भाई, जो जो वीडियो देखता है ना उनको ये पता है कि क्या सही है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, इनको जब बच्चे हमारी वीडियो को देख के इतना सीखते हैं समझते हैं, तो यार क्या बड़े नहीं सीख सकते, तभी कहता हूँ भाई वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, जब ही तो बोलता हूँ, बोल बोल के परेशान हो गया, आप तो कर दो यार, हाथ जोड़ दो।